हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे 20 तो प्रश्न है लेकिन इसमें जो है आंसर हमने काफ़ी सारे डिटेलिंग के साथ बताया है, तो आपको जो है ये पूरे ध्यान से सुनना है और अपना आंसर देना है। आपको 20 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं आपके, ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपको 7 या 8 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपके लिए अच्छी है, वरना आपको अभी भी तैयारी करने की ज़रूरत है। कुछ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म ऐप है, ठीक है। इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का कोर्स खरीद सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ऐप है ये, और देख सकते हैं आप यहाँ अच्छे अच्छे कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अच्छे प्रकार से आप तैयारियाँ करनी चाहते हैं तो अच्छे अच्छे फैकल्टी के द्वारा आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा। और हमारे कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं और कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपया तो आप लोगों को ऐसे लगता है। और हमारा कोड जो कि द नेक्स्ट लेवल AZ है, उसके द्वारा आप अगर जाते हैं तो आप लोगों को देख सकते हैं 900 रुपया लगेगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप अगर हमारा कोड प्रयोग करते हैं द नेक्स्ट लेवल AZ। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए सितार, सोलर सेल, विद्युत सेल, ट्यूबलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। और जो है ये सितार, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और ये बी में जो है सोलर सेल, ये जो है सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, और डी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आप जो है टाइम लेकर इसे पॉज करके अपना आंसर सोच के दे सकते हैं, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद है 214, और ये ए में जो है 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताया गया है, और ये 129 जो है इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, और 148 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 148 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटें 230 है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो है वहाँ चुनाव हुई थी और कांग्रेस वहाँ जीता था और कमलनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहाँ 230 सीटें हैं, उसमें से कमलनाथ को 109 सीटें प्राप्त हुई थी और वहाँ के वो मुख्यमंत्री बने थे। और ये जो 200 सीटें हैं ये राजस्थान के हैं विधानसभा के, और राजस्थान जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, वो भी कांग्रेस के थे। और ये 90 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं, और छत्तीसगढ़ में कौन बने थे? तो भूपेश बघेल। इसके लिए हमने वीडियो भी बना के रखा हुआ है टोटल, आप इसे जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी मुख्यमंत्री जो अभी चेंज हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये 119 जो है ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो पहले थे ये चंद्रशेखर राव, वही है जो TRS पार्टी से बिलोंग करते हैं। और तेलंगाना में जो है विधान परिषद भी है, ये आपको ध्यान रखना है, और विधान परिषद के 40 सीटें हैं वहाँ पर। विधान परिषद जो है वो 7 जगह में है, ये भी आपको याद रखना है, और एक जगह चुनाव हुई थी 5 जगह, और क्या मिजोरम, हाँ मिजोरम में जो है जोराम थांगा वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और विधानसभा में जो है न्यूनतम 60 सीटें होती है और अधिकतम 500 सीटें होती है। विधानसभा में 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए उसमें जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आंसर है इसका नैनीताल। तो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का जो स्थान है। और ये जो देहरादून है उत्तराखंड का राजधानी है, ये बहुत से जगह में इस टाइप के है जो वहाँ का राजधानी है वहाँ पर उसका उच्च न्यायालय नहीं रहकर दूसरे जगह पर है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट भी आपके लिए तैयार किया है, तो आइए वो देख लेते हैं।
वो है देखिए, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है, गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। ये जो है राज्य का राजधानी में नहीं होकर दूसरे जगह पर है स्थित, इसे आपको ध्यान रखना है। यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, जो लड़के कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो नैनीताल में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने बनवाया था, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने बनवाया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल जो था वो 1798 से 1805 तक था, और लॉर्ड वेलेजली जो है इन्होंने कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये कॉलेज का स्थापना किया था, ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है। और जो है ये खुद को, लॉर्ड वेलेजली जो है खुद को बंगाल का शेर कहता था, और इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, ये सब बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्रथम जैन संगीतियाँ किस स्थान पर हुई थी, प्रथम जैन संगीति जो है वो किस जगह पर हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में वो हुई थी, और स्थूल भद्र जो है अध्यक्ष थे उस समय के, ठीक है। और ये जो है वल्लभी, वल्लभी में दूसरा जैन संगीति हुई थी, वल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई थी, ठीक है, ये अब ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वैशाली, वैशाली में महावीर की जन्म हुई थी, ठीक है, वैशाली में महावीर जी की जन्म हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, जन्म जो है वो जन्म 540 ईसा पूर्व में हुई थी और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। जन्म कब हुई थी, तो 540 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसके जो है पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, और आखिरी तीर्थकर 24वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल जोड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल किसको किससे जोड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप को मीनिकाय के मध्य है, इसके मध्य इसे इन दोनों स्थानों को वो जोड़ता है, कौन, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो है ये ए नंबर क्वेश्चन है, ये छोटा अंडमान व कार निकोबार ये 10 डिग्री चैनल को जोड़ता है, और ये जो है बी में मालदीव व मीनिकाय ये 8 डिग्री चैनल को जोड़ता है, और ये डी में सुमात्रा और निकोबार के मध्य जो है ये ग्रैंड चैनल को जोड़ता है, ठीक है, ये आपको देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, आपके सामने ये सब ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और पश्चिमी तट पर बंदरगाह जो है वो कौन कौन है, ठीक है। तो पूर्वी तट पर आप यहाँ देख सकते हैं पारादीप है, पारादीप कहाँ स्थित है, तो वो उड़ीसा में स्थित है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु, एन्नौर ये सब जो है पूर्वी घाट पर पड़ता है, पूर्वी तट की बंदरगाह है ये सब, और पश्चिमी तट की बंदरगाह है दाहिने तरफ जो लिखा हुआ हूँ मैंने, तो ये जो है कांडला, मुंबई, मार्मा गोवा, बंगलुरु, कोचीन, नहावा सेवा, ये सब पश्चिमी तट के है। इस चार्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और अभी तो मैंने बताया ही था ये सब कि कांडला और मार्मा गोवा कोचीन कहाँ स्थित है, नीचे आप लोग देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसके हेड कौन है अभी, तो आदित्य पुरी हेड है, और इस बैंक की स्थापना 5/1/1995 को की गई थी, ठीक है। और बड़ौदा ये ICICI बैंक के मुख्यालय है बड़ौदा में,
और इसे जो है 1994 में इसे बनाया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। और इंदौर आईडीबीआई का मुख्यालय है, ठीक है, और आईडीबीआई का 1995 में गठन किया गया था। और नेक्स्ट अहमदाबाद, इसमें देख लेते हैं अहमदाबाद भी। अहमदाबाद किसका है, तो एक्सिस बैंक का है। इसका स्थापना 1994 को हुआ था। नेक्स्ट है महानलोभी समिति का संबंध किस चीज से है, ठीक है, तो महानलोभी समिति का संबंध किस चीज से है, तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें जो है आंसर राष्ट्रीय आय से है, ठीक है, महानलोभी समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। और ये ए नंबर जो देख रहे हैं आप कर सुधार, तो ये राजा चलैया समिति से है कर सुधार। और सी में जो है जनसंख्या नीति, ये स्वामीनाथन समिति का है, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर आई थी। और ये डी है वस्त्र नीति, वस्त्र नीति सत्यम समिति, ठीक है, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जंगल बुक किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है, तो जंगल बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रुपियाट किपलिंग, ठीक है, रुपियाट किपलिंग के द्वारा ये लिखा गया था। और ये ऑप्शन ये मैं डील कर देता हूँ, इसमें ए नंबर जो है माइकल क्रप्टन, इन्होंने जुरासी पार्क पुस्तक लिखा था। और रिचर्ड निक्सन ने लीडर्स, एक बुक थी लीडर्स जो काफ़ी फेमस हुई थी, वो इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है जॉन मिल्टन, इन्होंने लिखा था पैराडाइज लास्ट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनालॉजी, ये एंथ्रोलॉजी का अध्ययन, ठीक है, एंथोलॉजी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एंथोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है, ये आपको बताना है एंथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये पुष्पों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। और ये मछलियों का अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, छिपकिल्ली का अध्ययन सोरोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रीटिकम स्टीवम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टीवम, ठीक है। और नेक्स्ट है धान, धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा स्टीवा। और सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम है बर्सिका कंप्रेस्टस। और लास्ट चना, चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटनम, हाँ इसी टाइप का बोला जाता है सीसर एरिएटनम, ये काफ़ी डिफिकल्ट है बोलने में भी, मगर आपको याद रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है 14वां नंबर क्वेश्चन, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अभी तो है नहीं, बनेंगे, तो 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो ये एन के सिंह बनेंगे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। अभी जो है ये केसी नियोगी जो आप देख रहे हैं, ये पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वाई बी रेड्डी ये अभी चल रहे हैं वाई बी रेड्डी, और डॉक्टर विजय केलकर ये 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 के तहत बनाया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपके सामने ये सब ऑप्शन है, तो इसमें आंसर जो है इसका ब्रिटेन होगा, ठीक है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता जो है भारत ने लिया है। और ये यूएसए से भारत ने क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं वो लिए हैं यूएसए से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी का सजा को कम कर सकता है, ठीक है। और ब्रिटेन के बारे में तो हमने अभी बताया ही, एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली भी वहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समावर्ती सूची ये लिया गया है, ये समावर्ती सूची जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, ठीक है, लिया गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है पोर्ट ब्लेयर जो आप देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन में, उसमें जो है पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और बी में जो है इंदौर में
देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और सी सी में जो है मंगलुरु, तो मंगलुरु में मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है, ये पूरे भारत में कितनी है, तो ये जो है 943 है 1000 पुरुष पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कितनी है 945, जो ऑप्शन नंबर बी है वही। ठीक है, और सबसे अधिक अगर कहा जाए तो किस राज्य में है, तो केरल में है, वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, और सबसे कम जो है हरियाणा में है, हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है यूपी में है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। एक जनगणना पे हमने वीडियो बना रखा है, जिसे आप देख सकते हैं चैनल में जाकर, उसमें जो है अच्छे अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चन हमने डाले हैं, कम से कम 37 से 38 क्वेश्चन होंगे, उससे आपका पूरा जनगणना जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर की तरफ, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट में अग्रणी है, और झारखंड में कोयला और यूरेनियम में अग्रणी है झारखंड, और राजस्थान चांदी और टंगस्टन के लिए है, और ये डी नंबर जो ऑप्शन दिख रहे हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक सोना के लिए अग्रणी है, कोलार खान जो है मशहूर है वहां सोना निकालने के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर, नील नदी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है 6690 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, और ये भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और नील नदी का देन जो है वो मिस्र को कहते हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, और ए तिब्बत का पठार से यांगसी नदी निकलती है, और ऑप्शन नंबर सी जो है लेगो विल्फेरो, उससे जो है अमेजन निकलती है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी बोली जाती है। ठीक है, और क्यूनलुन पर्वत से हुआंगो नदी निकलती है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है, ये थल सेना का जो है टोटल 7 कमान है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है, और इसका जो देख लेते हैं टोटल 7 कमान कौन कौन है, तो पहला देख लेते हैं पश्चिम कमान चंडी मंदिर, पश्चिमी कमान जो है वो चंडी मंदिर में है। ठीक है, वो जगह का नाम है चंडी मंदिर। उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, और चौथा में है पूर्वी कमान कोलकाता, मध्य कमान लखनऊ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है छठा में है दक्षिणी कमान, दक्षिणी पश्चिम कमान जयपुर में है, और सातवां है ट्रेनिंग कमान शिमला में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम जो है पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर आपका क्वेश्चन को कवर करा दिया जाए प्रिपरेशन को, जिससे कि आपको एग्जाम देने में आसानी हो। तो ये रही हमारी 20 क्वेश्चन, इसमें से आपको बतानी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और इसी टाइप के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तो बाय बाय।